कोरोना से जंग कितने तैयार हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दुनिया में कोहराम मचाने के बाद कोरोना की हिंदुस्तान में भी एंट्री हो गई। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए मोदी सरकार अलर्ट हो गई है और कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कई देशों में कोरोना ने कई तरह के कोहराम मचाए। यहाँ पर कोहराम ना मचाए इसके लिए दूसरे देशों में इस तरह के एहतियातन जो कदम उठाए गए उसको देखते हुए हिंदुस्तान पहले से ही सचेत हो गया। इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, मॉल और सिनेमा हॉल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में इंडिया वॉइस की टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी की गई वो तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, कुछ जायजा भी दिखा रहे हैं, लेकिन हालात क्या बने हुए हैं उसका जिक्र भी हम कर रहे हैं। तो आज कुछ डॉक्टर के पैनल भी हमारे साथ होंगे और कुछ डॉक्टर से समझेंगे कि आखिरकार हालात क्या वाकई में बेकाबू हैं या फिर बेवजह पैनिक फैलाया जा रहा है। सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। आज बात होगी इसी मुद्दे की। पैनल में होंगे हमारे साथ डॉक्टर्स भी। डर दहशत घुसी हुई है, देख रहे हैं कि कॉलेजेस बंद हो गए हैं। अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो डर तो लगता ही है सबको। कम से कम पहले डॉक्टर से एक बार जरूर एडवाइस लें वरना ये और जो है स्प्रेड हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से सारे शो बंद है जी, जरूर इससे रोकथाम में मदद मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका कोरोना? सबसे खतरनाक उसमें क्या है, उसकी चाल। पहले इसके लक्षण इक्का दुक्का लोगों में दिखाई देते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के भीतर जंगल की आग की तरह ये फैल जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि कई देशों की सरकारों ने इसकी आहट को समय रहते नहीं सुना। इसमें अमेरिका, इटली से लेकर ईरान, ये तमाम देश स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर सचेत बताते हैं अपने आप को। इन्होंने सब बातों को दरकिनार किया तो तकरीबन हर जगह की सरकारों ने तब तक एक्शन नहीं लिया जब तक हालात नहीं बिगड़े, जब तक बीमारी गुपचुप तरीके से महामारी में तब्दील नहीं हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो हालात अभी भी इतने बिगड़े नहीं है। हमारी सावधानी ही हमारी सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए आज हम आपके बीच एक डॉक्टर का पैनल लेकर आएंगे जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना से जंग हम कैसे लड़ रहे हैं, कितने तैयार हैं हम, इसका भी जिक्र कर रहे हैं। और छोटे छोटे सवाल जो आपके जहन में हैं, जैसे कि क्या जिम जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, क्या नॉनवेज खाना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, कोरोना का खतरा जो है वो पालतू जानवरों से बढ़ जाता है या फिर नहीं, उसके लक्षण क्या है और कितने दिनों में पता चलता है, ऐसे तमाम सवाल 10 से 15 सवाल हम आपके बीच में लेकर आएंगे और इन एक एक सवालों का जवाब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर देंगे। वैसे भी आपको इस डर के माहौल से बाहर निकालना हमारा मकसद है, आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि कोरोना का मतलब सिर्फ मौत नहीं है। पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वो डॉक्टर्स जो बताएंगे आपको हर एक सवाल का जवाब जो आपके जहन में है। कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस से जंग कितने तैयार हैं हम। निमोनिया की तरह दिखने वाली बीमारी दबे पांव हिंदुस्तान की सरहद में दस्तक दे गई। हकीकत तो यह है कि चीन में इसके फैलने और उसे रोकने के लिए वहां की विफलता और सफलता में बहुत सारे देशों ने कुछ नहीं सीखा। कुछ चीन के खान पान और चमगादड़ गिनते रह गए। इटली, ईरान, अमेरिका ने खुद को विकसित देश होने का दम तो भरा और अपने ही सैकड़ों नागरिकों की जान को जोखिम में डाल दिया। सिर्फ एक हफ्ते में ही कोरोना वायरस के नए मरीज और उसकी वजह से दम तोड़ने वालों की संख्या चीन से आगे निकल चुकी है। सवाल ये है कि क्या भारत इस बीमारी के बड़े आउटब्रेक के लिए तैयार है? फिलहाल भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से 2 की मौत की खबर है। आरएमएल अस्पताल में
68 साल की महिला ने दम तोड़ा, जबकि इससे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। फिलहाल कोरोना दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन का अनुभव बताता है कि कैसे सरकार शुरुआत में फेल हो गई, लेकिन बाद में शहरों के लॉकडाउन के जरिए इस बीमारी को रोकने में कामयाब हुई। साफ है कि सुरक्षा ही सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि इटली, जर्मनी, ईरान और अमेरिका जैसे देशों ने आपाधापी में लॉकडाउन उस समय शुरू किया जब मामला काफी बिगड़ चुका था। वहीं हमारे देश की क्या स्थिति है, अब वो भी देखिए। आपको बता दें कि देश के भीतर 11 राज्यों में कोरोना का असर दिखाई दिया, जिसमें से 66 भारतीय और 17 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। दिल्ली में 6, हरियाणा में 14, केरल में 22, राजस्थान में 3, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश में 11, लद्दाख में 3, तमिलनाडु में 1, जम्मू कश्मीर में 2, पंजाब में 1, कर्नाटक में 6, महाराष्ट्र में 14, जबकि आंध्र प्रदेश में एक एक मामला सामने आया। हाथ मिलाने से नहीं बल्कि नमस्ते करने से काम चलाओ। जी, वैसे माना जा रहा है कि सामाजिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंस इस बीमारी को रोकने का पहला और सबसे कारगर कदम है, लेकिन आखिरी में इस कदम को अब उठाया जा रहा है। वैसे तो भारत में कुछ जगहों पर सामाजिक दूरी जैसे स्कूल, मेला या दूसरी तरह के बड़े बड़े सामूहिक आयोजनों पर यानी सामूहिक इवेंट पर रोक लगी है, लेकिन इसकी तादाद अभी भी बहुत कम है। वैसे तो देश में निगरानी में इस वक्त 4000 से ज्यादा लोग रखे गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा पीड़ित मरीज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद, आईपीएल पर रोक। इतना ही नहीं, खतरे को देखते हुए भारत ने फिलहाल खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया है। भारत में किसी भी देश से आने वाले हर विदेशी नागरिक का वीजा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साफ है, डरने से नहीं बल्कि लड़ने से ही कोरोना को हम हरा सकेंगे। ऐसे में सावधानी ही कोरोना का बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कोरोना से जंग कितने तैयार हम, ये एक बड़ा सवाल, लेकिन इस सवाल के साथ साथ वो सवाल जो आपके जहन में इस वक्त है, वो सवाल जिसके जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे, वो डॉक्टर आपको देंगे जो इस वक्त इस पूरे बीमारी को लेकर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो आप उठाएंगे तो इस बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आपको दिखाते हैं देश में तारीख के हिसाब से आए आंकड़े, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। ये देखिए जरा फुल स्क्रीन, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हम कि 1 मार्च से 14 मार्च तक के आंकड़े कहते क्या है। 1 मार्च 3, आप देख रहे होंगे ये आंकड़ा 3 है, फिर 2 मार्च में 5 पीड़ित मरीज सामने आते हैं, फिर 3 मार्च को 7, 4 मार्च को ग्राफ बढ़ जाता है एकाएक और 28 मामले सामने आते हैं, जबकि 5 मार्च को यह आंकड़ा बढ़ता है और ये 30 पहुंच जाता है, जबकि 6 मार्च को कोरोना वायरस के जो मामले सामने आए वो 31 हो जाते हैं मामले, 7 मार्च को 34 मामले, जबकि 8 मार्च को 39 मामले, 9 मार्च को 43 मामले सामने आते हैं और 10 मार्च को फिर ग्राफ बढ़ता है एक तेजी से और 56 मामले हो जाते हैं। इसके बाद 11 मार्च का जिक्र करें तो 62 मामले सामने आते हैं और फिर 12 मार्च को 74, 13 मार्च को एक और पीड़ित बढ़ता है और आंकड़ा पहुंचता है 75, 14 मार्च का जिक्र करें तो ये आंकड़ा पहुंच गया 83, यानी कि एकाएक जो ग्राफ बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं कैसे 1, 2 और 3 मार्च के बाद सीधा 4 मार्च को ये आंकड़ा बढ़ता है और फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता रहता है। लगातार ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है उन सवालों का जिसका जिक्र यहां पर करना बेहद जरूरी है। आइए कुछ सवाल जिनके जवाब भी हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विकास गोयल जुड़े हुए हैं जो कि कैथ लैब बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा, लेकिन वो तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं उन सवालों को हम अपने मंच के माध्यम से उठाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पे डरने की नहीं
बल्कि सुरक्षा सबसे बड़ी सावधानी है। आइए जरा सबसे पहला सवाल देखते हैं, सबसे पहला सवाल कौन सा है। सबसे पहला सवाल ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा, सवाल ये कि सांस लेने और छोड़ने से क्या कोरोना वायरस फैलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विकास गोयल इस वक्त में जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि पैनल में हमारे साथ कुछ और डॉक्टर भी जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर विकास, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने रिपोर्ट में कहा कि हाय हेलो नहीं, नमस्ते से काम चलाएंगे, सबसे पहले सांस लेने और छोड़ने से क्या कोरोना फैलता है, सबसे पहला जो भ्रम को लेकर सवाल। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सांस लेने और छोड़ने से कोरोना नहीं फैलता है, ये बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि हम प्रकाश से छींकने से खांसने से कुछ हमारे ड्रॉप्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि बाहर निकलते हैं। और जो जनरली जो ये वायरस है वो एक हैवी वायरस है, मतलब इसका ये है कि ये वायरस हवा में नहीं रह सकता है, हवा में एक दूसरे से नहीं फैल सकता है, ये जमीन पे गिरता है, कोई धातु पे कोई ऑब्जेक्ट पे गिर सकता है, वहाँ पे ये कुछ समय के लिए रह सकता है। अगर हम उसको छुएं और अपनी नाक आँख कान ऐसे जो म्यूकोजा है या मुंह इधर हम कहीं किसी प्रकार से अपने उस हाथ को टच करें तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपके सवाल का आंसर हो गया कि सांस लेने और छोड़ने से ये नहीं फैल सकता, नहीं फैल सकता। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, ताकि मैं दूसरे सवाल पे जाऊं, एक और सवाल होता यह है कि जैसे हम अपने आप ही को ले लें, हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कहा जाता है ना कि सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो भैया गूगल से आप दवाई चेक कर लीजिए, वो दवाई जाइए केमिस्ट वाले को बोले कि भैया ये दवाई दे दीजिए, गूगल में तो ये लिखा है, तो फिर हम कैसे पहचाने कि भैया जो हमें जो लक्षण है वो कोरोना के हैं या नहीं है, सवाल तो ये खड़ा होता है। और हमारी जो सोच रही है वो तो वही रही है ना कि भैया हमारे यहाँ तो सर्दी खांसी जुकाम जो है वो तो बीमारी है ही नहीं। देखिए इसमें जो WHO यूनिसेफ का जो है उसमें तीन प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, एक फ्लू लाइक सिम्टम्स, एक कॉमन कोल्ड और एक कोरोना। तो जो फ्लू लाइक सिम्टम्स और कॉमन कोल्ड है उनमें क्या होता है कि हमें बॉडी एक होगा, रनिंग नोज होगा। जनरली इस वाले इन्फेक्शन में कोरोना में हमें रनिंग नोज नहीं होगा, सोर थ्रोट नहीं होगा, क्या होगा फिर हमें, हमें होगा बुखार जो कि लो ग्रेड हाई ग्रेड भी हो सकता है, हमें होगा खांसी, बलगम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, और साथ में हमारे जो नाक बहना है जिसे हम कहते हैं नाक बहती है वो नहीं होगा, जैसे गले में खराश होना है वो सब नहीं होगी हमें इसमें। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको कि अगर किसी आदमी को खांसी है और बुखार है तो ही हम समझे कि कोरोना है, और साथ में क्या नहीं होना चाहिए, रनिंग नोज यानी कि नाक नहीं बह रही है और शरीर में दर्द नहीं है तो कोरोना नहीं है। डॉक्टर विकास, दरअसल मैं एक बात ये भी समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि ये सांस लेने और छोड़ने का जो सवाल है ये इसलिए भी बात सामने आई कि लोग इस बात को लेकर कि छुआछूत की बात भी आ रही है कि भैया छुइए मत, नमस्ते कर दीजिए, सांस लेंगे तो करीब जाएंगे तो आपको ये वायरस अपनी चपेट में ले लेगा, सांस छोड़ेंगे तब भी ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले लेगा। तो इससे बचाव की बात हम करें तो कहाँ तक आपको लगता है कि हाँ इस बात को लेकर इस सवाल का संक्षेप में आंसर ये है। देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन फैलता कैसे है। एक इन्फेक्टेड आदमी है, उसको ये इन्फेक्शन अगर फैलाना है तो वो दूसरे नॉर्मल आदमी को देना होगा। तरीका क्या है, पहले उसने खांसा या छींका तो उसमें बूंद में जो हमारे छींक में जो बूंद बनती है वो बूंद में इन्फेक्शन गया, वो उस आदमी के अंदर एंटर होना चाहिए या म्यूकोजा से जैसे कि नाक से आँख से मुंह से, वो कैसे एंटर होगा, या तो वो एक मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मतलब एक मीटर डिस्टेंस पे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैवी है, तो जब हम छींकते हैं तो वो एक मीटर तक जमीन पे आ जाएगा, अगर वो आदमी पास में है तो उसके बॉडी के ऊपर भी आ सकता है। तो हम इसको कैसे बचाएं, जिसको ये इन्फेक्शन है या जो भी छींके तो अपने जनरली टिश्यू पेपर यूज करे या रुमाल यूज करे या फिर अपनी कोहनी को मोड़ करके अंदर की साइड छींके तो वो उसकी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे। दूसरा अगर मान लीजिए कि वो जी सर आप जी जी मैं पोजीशन आपसे जानना चाह रहा था क्योंकि आपको मैं चाहूंगा जरा सर को एक बार फुल फ्रेम ले लीजिए। सर जो पोजीशन बता रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर किसी के साथ भी ये समस्या या दिक्कत आती है तो उसको उसी तरह से बचाव करना है, सर जो आप पोजीशन बता रहे थे प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ये कोहनी है आपकी, कोहनी का अंदर वाला साइड आप मुंह के आगे लाएंगे और यहाँ पे अगर छींकते हैं खांसते हैं अचानक से आपके पास कोई वो चीज नहीं है कि भाई आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके तो कोहनी को ऐसे मोड़ना है, ये जो कोहनी का अंदर वाला हिस्सा है इसको मोड़ के आप मुंह के आगे रखेंगे तो आपका बचाव होगा। इससे आप ये आप अपने अंदर इन्फेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको आप सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, ये काम होता है इसमें। ठीक, ये तो आपने बताया कि सांस लेने और छोड़ने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, ये एक भ्रम है, हम ये कुल मिला के माने। ये तो रहा पहले सवाल का जवाब।
अब दूसरा सवाल जरा टीवी स्क्रीन पर अब दूसरा सवाल लेकर आइए और दूसरे सवाल का जवाब तलाशेंगे। दूसरा सवाल क्या है अब वो आपके सामने, कोरोना नहीं होने के बावजूद भी मास्क लगाना जरूरी है या नहीं। एक बार हो सके तो फुल स्क्रीन पर आप इस सवाल को दिखाइए क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, मास्क लगाना जरूरी है या नहीं। मास्क को लेकर तमाम तरह की बातें इस वक्त जो है बाजार में, इसके भाव सातवें आसमान को छू रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल, ये दूसरा सवाल आज का, कोरोना नहीं होने के बावजूद भी मास्क लगाना जरूरी है या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल। डॉक्टर विकास, मास्क लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए अगर मुझे कोरोना नहीं है तो? देखिए, अगर कोरोना नहीं है तो मास्क लगाने से आपको कोई खास फायदा नहीं होता है। एक फायदा जो आपको हो सकता है वो ये होता है कि जनरली हम सबकी आदत होती है, हम अपना हाथ बार बार किसी तरीके से फेस पे ले जाते हैं, मुंह पे ले जाते हैं, ऐसे किया कुछ मूंछ को किया, या लोग की आदत होती है। तो मास्क क्या करता है कि हमारे फेस के इतने हिस्से को प्रोटेक्ट कर लेता है और हमारे हाथ को यहाँ पहुँचने से रोकता है। इसके अलावा मास्क का कोई भी रोल नहीं है अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है तो। नहीं, कहा जा रहा है कि N95 मास्क जो है अगर आप लगाएंगे तो उससे वो वायरस आपको नहीं छुएगा। वो दरअसल इस बात को लेकर एक भ्रम आपको बताया कि ये हवा से नहीं फैलता है। जब हवा से नहीं फैलता है तो जो आप हवा अंदर खींच रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं तो उसमें वायरस नहीं है। तो आप मास्क से वायरस को अंदर ले जाना या बाहर ले जाना आप अपने आप को नहीं बचा सकते, उससे कोई फायदा नहीं है आपको। ओके, अगर वो पीड़ित है, शख्स पीड़ित है, इन दैट केस मास्क इज यूजफुल। उससे क्या होगा कि वो जो अगर खांसता है या कफ करता है तो वो जो है वो उस मास्क में कंटेन हो जाएगा, इस वजह से वो मास्क से बाहर नहीं आएगा। अब इसमें कौन सा मास्क यूज करें ये क्वेश्चन आएगा जी, तो इसमें किसी भी प्रकार का मास्क यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये इन्फेक्शन वाला वायरस है, ये काफी बड़े साइज का है। इट कैन बी प्रोटेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ मास्क, इवन समटाइम्स विद क्लोथ्स आल्सो। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक जिक्र ऐसे ही हुआ तो क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए छात्र बहुत हैं और व्हाट्सएप पर बहुत कुछ चल रहा है, तो किसी ने कहा कि मास्क की जरूरत नहीं है, अगर आप कागज से भी अपने मुंह को ढक लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी प्रकार से आप ढक लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथ से भी आप ढकें और उसको अगर आप धो लें तो भी चलेगा, लेकिन वो हाथ से क्या हम धोते नहीं है, फिर कहीं ना कहीं हम उसको टच कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। ठीक, ये तो रही कोरोना के मास्क लगाने वाली बात, जिसका दूसरा सवाल था जो आपके जहन में होगा। इस सवाल का जवाब भी हमने तलाशने की कोशिश की डॉक्टर साहब से, इनका कहना यह है कि कोरोना नहीं है तो मास्क का ज्यादा लाभ नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं। अब तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये कि कोरोना का इलाज मुमकिन है या फिर नहीं, और क्या इस बीमारी से मौत की दर क्या है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। मौत के दर की बात हमने की है तो वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये आंकड़ा क्या है, लेकिन पहले, उससे पहले जरा इस सवाल को भी ध्यान से देख लीजिए, क्या इलाज मुमकिन है या नहीं, बीमारी से मौत की दर क्या है। डॉक्टर विकास, ये सवाल भी जरा जहन में है लोगों के, जरा इस सवाल का जवाब भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना का इलाज बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और जिसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बेसिकली ऐसा कोई नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, हमने एंटीबायोटिक दी और ठीक हो गए, या कोई एंटीवायरल ड्रग, ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है। कुछ स्टडीज हुई है जिसमें कि एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्लोरोक्विन, कुछ एंटी वायरल ड्रग्स लाइक जो HIV में यूज़ होती है, HIV इन्फेक्शन में, उसमें कुछ जो जैसे कहें कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी तक इतना सिग्निफिकेंटली प्रूवन नहीं है कि आप उसको ये कहें कि उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे खांसी हुई तो खांसी का इलाज करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब गुड अमाउंट ऑफ पानी और जूस वगैरह ये सब लेना है, और जब भी आपको कोई सांस की तकलीफ हो तो डॉक्टर से मिलना है और वो आपको जो भी एक उचित सलाह होगी वो आपको देंगे। वो वक्त कब होगा, मतलब कैसे हम ये जान लें कि भैया हम इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं? मैं पैनिक की बात नहीं कर रहा, आप जैसे ये बातें सामने आ रही हैं, आप भी खुद BK हॉस्पिटल में बैठते हैं, वहाँ पर भी तो तादाद बढ़ गई होगी ना मरीजों की। देखिए, हमें खांसी है, जुकाम है, देख लीजिए भैया कहीं कोरोना तो नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जनरली सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी हैं, सब जगह एक अलग से OPD बना दी गई है, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम की एक OPD बना दी गई है, जिसमें कि आराम से आप वहां जाके एक अपने आप को दिखा सकते हैं कि आपको है कि नहीं है। जनरली अगर आपको खांसी है और बुखार है और आपको लग रहा है कि खांसी और बुखार है, तो आप मिल सकते हैं किसी डॉक्टर से, एक सलाह ले सकते हैं कि कहीं मुझे कोरोना वायरस है कि नहीं है। अगर आपका नाक बह रहा है और शरीर में दर्द है तो चांसेस कम है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है।
ओके, अब इसमें जो मौत की दर और आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था करीब अभी जो संख्या बताई जा रही है मरीजों की वो 55,000 के करीब बताई जा रही है जो इफेक्टिव है इससे, और करीब 70,000 के आसपास ठीक हो चुके हैं। और मृत्यु की जो बात करें जो लोग इसमें काल के गाल में समाए वो 5,000 के करीब है, मतलब पूरी दुनिया और विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो दुनिया की आबादी के हिसाब से जो मरीजों की संख्या है वो 0.000070 है, और दुनिया की आबादी और मृत्यु की अगर मैं बात करूँ तो 0.6% है। तो ये काफ़ी हैरानी वाली बात है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि भैया आपको कोरोना हो गया तो मौत पक्की है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना इन्फेक्शन की जो मोर्टलिटी रेट है वो 2-3% है, और अगर मैं कहूँ कि हम सड़क पे चलते हैं तो भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हादसे हो सकते हैं, तो वो भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1-2% आ सकता है। तो ये इतनी लीथल बीमारी नहीं है, लेकिन क्या है कि एकदम से स्प्रेड हुआ है, और इसके अलग अलग एक फिनोमिना है लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये अलग अलग से है, जिनको माइल्ड मॉडरेट होता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और इस मामले में अगर 2-3% है ये तो देखा जाए तो कोई खास बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सभी लोग चिंतित हैं वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक, ये जो है ये पूरे आंकड़े हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से चौथे सवाल पे पहुंच जाते हैं जो आपसे जुड़ा हुआ एक और सवाल जो इस वक्त सवाल बनकर सबके सामने है। सवाल ये कि कोरोना से बच्चे और बुजुर्ग उन पर कितना खतरा है, कितना बड़ा खतरा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बच्चे और बूढ़ों में जो है वो कम होता है, दिक्कत होती है, इस वजह से कोरोना वायरस अटैक करता है उन पे। क्या ये बात सही है डॉक्टर विकास? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस से जो हमने देखा है कि जो एल्डरली पीपल हैं, यानी कि जिनकी उम्र 60-70 ऐसे है, उनको थोड़ा ज़्यादा खतरा है, और जिनकी उम्र 40 से कम है उनको कम है। ऐसा क्यों है ये कह पाना, इसलिए लगता है कि जो एल्डरली पीपल होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनको साथ में अलग अलग बीमारियाँ होती है, जैसे कि शुगर, बीपी या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो अगर ये साथ में कोई बीमारी होती है तो उसके साथ अगर इन्फेक्शन होता है तो ही जानलेवा थोड़ा ज़्यादा बनता है। इसी प्रकार से हमने जो देखे हैं आंकड़े, जो देखे हैं मतलब जो WHO ने, यूनिसेफ ने, इन्होंने रिलीज़ किए हैं, उसके हिसाब से कहा जाता है कि अगर लेस देन 40 ईयर्स एज है तो जो मॉर्टलिटी रिस्क है वो 0.5% है, और मोर देन 60 में इट्स अराउंड सम लाइक 8%। तो मतलब उम्र के हिसाब से कहें तो उनकी जो क्षमता है शायद वो उस वजह से जीवाणु से लड़ने की कम है, इस वजह से शायद उनको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर, मैं एक आपसे ये बात, बच्चों के बारे में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है अलग से, तो बच्चों का भी लेस देन 40 ईयर्स में कंसिडर होगा, तो उस हिसाब से कई कुछ खास नहीं है। बोला ये जा रहा है कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है इससे बचाव, क्या नहीं ऐसा कुछ रिलीज, ऐसा कुछ डाटा नहीं है कि ये सब व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से होगा, बाकी ऐसा कोई डाटा नहीं है कि लेस देन 10 ईयर्स आर इन मोर डेंजर फॉर कोरोना वायरस, देयर इज नो डाटा लाइक दैट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला लिया जा रहा है कि अगर 10 साल से बच्चा खास तौर पे कम उम्र का है तो भैया कम से कम उसे बाहर बिल्कुल मत भेजिए। देखिए, स्कूल कॉलेजेस बंद करने का जो निर्णय लिया गया है वो मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि बच्चों को है ना हम समझा सकते हैं कि आप छींके तो हाथ लगाएं, ये कहें वो कहें, अगर उनको माइल्ड डिजीज भी हो रही है तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं बाकी लोगों के लिए, घर वालों के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक बच्चे को इन्फेक्शन है वो तो सब बच्चों के साथ खेलेगा, और उसको एक से वो सभी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन लेके घर जाएगा तो उसमें दादाजी भी होंगे, नाना जी भी होंगे, किसी को भी वो इन्फेक्शन दे सकता है। इस प्रकार से वो स्कूल बंद करना कोई गलत निर्णय नहीं है। जैसे नोएडा में हमने देखा कि एक पार्टी में बच्चे जाते हैं और फिर स्कूल में हड़कंप मच जाता है, तो वो स्थिति पैनिक की ना हो इस वजह से भी ये कदम एहतियातन उठाए गए हैं, और ये बहुत ज़रूरी कदम थे। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है, एक एक करके करीब ऐसे 15 सवाल हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, वो सवाल जो आपके जहन में हैं उनके हर एक सवाल का जवाब हम तलाश रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो कोरोना से जंग कितने तैयार हम, सवाल सबसे बड़ा यही, और ब्रेक से पहले वो सवाल जिसके जवाब हम खुद डॉक्टर्स की जुबानी समझ रहे हैं जो आपके जहन में है। कोरोना को लेकर तमाम सवाल और संशय और भ्रम की स्थिति से आपको दूर करना हमारा मकसद है, और इसलिए इस कार्यक्रम को हम एक मुहिम की तरह आपके सामने लेकर आए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि आखिरकार डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं उस पर ही आपको अमल करना है और उस पर ही चलना है। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी अब आपको छोड़नी पड़ेगी, और उसको लेकर
जिस तरह से कदम भी सरकार उठा रही है ये भी आपको समझना होगा। इसलिए भय से बाहर निकलिए, कोरोना से लड़ना है यही हमारा एक मकसद है। इसलिए हेलो नहीं नमस्ते करिए। आइए जरा कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो डर से बाहर निकालेंगे आपको। पहले जरा फुल स्क्रीन पर उन आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे, डॉक्टर विकास भी जिसका जिक्र कर रहे थे। मरीजों की संख्या देखिए इस वक्त करीब 55,000 के आसपास है, मृत्यु का जिक्र हमने किया था 5,000 के आसपास। अब उसको परसेंटेज के हिसाब से देखिए, दुनिया की आबादी का हिसाब से 0.00070 और मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 0.0006%। इसलिए डरिए मत, इसको गहराई से समझिए, यानी कि 1,42,000 में से एक व्यक्ति इसका मरीज है। और अगर इस आंकड़े को ज्यादा गहराई से समझेंगे आप तो करीब 1,16,52,000 में से एक व्यक्ति अगर शिकार हुआ तो उसकी मृत्यु होगी, जो 5,000 का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और उसको आप गहराई से समझिए, जो ठीक हुए लोग हैं अब उसका आंकड़ा भी आपके सामने आएगा, वो है 1,14,000 ऐसे लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें परसेंटेज जो कुल मरीज हैं उनकी संख्या क्या है, 42.89%। और कुल ठीक होने वाले मरीज जो हैं वो 53.42%। यानी घबराइए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचाव जरूरी है। डॉक्टर विकास, ये आंकड़े जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, ये आंकड़े तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। हाँ जी सर। डॉक्टर विकास प्लीज इस पर आपका कमेंट और फिर उसके बाद में सवाल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि भैया डरने की जरूरत तो नहीं है। देखिए हम इन आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं उसमें से 50% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, 43% के आसपास अभी ठीक होने बाकी बचे हैं, और कुछ परसेंटेज लाइक 3.6% के आसपास की डेथ हुई है। डेथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है कि उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था या एसोसिएटेड डिजीजेस थी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक जो मापदंड होता है उसके हिसाब से देखा जाता है कि किस वजह से डेथ हुई है। तो अभी ये कोई भी WHO या यूनिसेफ ऐसे नहीं कहिए कि ये डेथ इज बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, वो ऐसे कहिए कि कोरोना वायरस इज एसोसिएटेड डिजीज, उसकी वजह से ये डेथ हुई थी। अच्छा, इसमें एज फैक्टर भी मैटर करता है सर, जैसे आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि इस एज ग्रुप वाले जो हैं वो ज्यादातर इसका शिकार हो रहे हैं। हाँ, एज फैक्टर इसमें मैटर कर रहा है क्योंकि जो मोर्टलिटी देखी गई है वो 60% से ज्यादा एज के, 60 ईयर्स से ज्यादा एज के लोगों में करीबन 8% मोर्टलिटी है, और जो 40 ईयर्स से कम के जो लोग हैं उनमें 0.5% मोर्टलिटी है। मोर्टलिटी मतलब होता है कि डेथ कितनी हुई है लाइक परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज जैसे कि इस जो हम दिखा रहे हैं उस परसेंटेज वाइज ये मान सकते हैं हम कि जो 60 से ज्यादा उम्र के हैं या 50 से ज्यादा उम्र के हैं उन पर ये खतरा ज्यादा रहा है। अगर हम आकलन करें एक आकलन के मुताबिक, जैसे कि आप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि इस उम्र के जो मरीज हैं उस पर ये खतरा ज्यादा होता है। हाँ, तो ये जो 60 से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें थोड़ा खतरा ज़्यादा होता है, और मैंने पहले भी बताया था कि इसका कारण होता है एसोसिएटेड डिजीजेस, जैसे कि मे बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, बाकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से वो थोड़े ज़्यादा प्रोन टू कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक, डॉक्टर विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ उन सवालों का जिक्र भी हम कर रहे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, और उन सवालों की बात भी हम कर रहे हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है और सिर्फ ये बताना है कि आप डरिए नहीं, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मृत्यु लिखी है, बल्कि इससे लड़ना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसको लेकर भ्रम की स्थिति ज़्यादा है, और उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए हम आपके साथ इस वक्त अपने डॉक्टर्स को लेकर आए हैं, और वो बता रहे हैं आपको कि आखिरकार एहतियातन आपको क्या कदम उठाने हैं, और आपके जहन में जो जो सवाल जुड़े हुए हैं उसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर्स का जो पैनल है उससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो आपके जहन में सवाल है उनके जवाब क्या है। जैसे ब्रेक से पहले हमने सवाल किया था कि सांस लेने और छोड़ने से क्या कोरोना वायरस फैलता है, डॉक्टर विकास ने बताया कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है। और साथ ही साथ
उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया कि कोरोना नहीं होने के बावजूद भी मास्क लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। सवाल ये भी था कि कोरोना का इलाज मुमकिन है या फिर नहीं, बीमारी से मौत का दर क्या है, वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा सवाल ये भी था कि कोरोना से बच्चे और बुजुर्गों पर कितना खतरा है, बुजुर्गों पर ज़्यादा खतरा है बच्चों की बनस्पत। और साथ ही साथ अब एक और सवाल भी हम आपके बीच में लेकर आएंगे और उस सवाल का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे हम कि आखिरकार क्या वाकई इन सवालों के जवाब, जिसको लेकर संशय बना हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु होना ही निश्चित नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर तमाम तरह के भ्रम इस वक्त सबके जहन में है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जिन सवालों का जिक्र हमने ब्रेक से पहले किया, सांस लेने और छोड़ने से क्या कोरोना वायरस फैलता है, तो डॉक्टर विकास ने बताया नहीं, कोरोना नहीं होने के बावजूद मास्क लगाना जरूरी है या फिर नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मास्क एहतियातन लगाया जाता है, कोरोना जिसको है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, आम लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब पांचवा सवाल लेकर आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव भी जुड़ चुके हैं। पांचवा सवाल जरा टीवी स्क्रीन पर लेकर आएं और फिर उस सवाल का जवाब जानेंगे जो इस वक्त भ्रम की स्थिति बनी है। अस्थमा या दूसरी बीमारियों से पीड़ितों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है, एक बार फिर से यह सवाल देखिए, अस्थमा या दूसरी बीमारियों से पीड़ितों के लिए कोरोना कितना घातक है। डॉक्टर ध्रुव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ध्रुव आपके पास हूं, उससे पहले डॉक्टर विकास प्लीज जल्दी से सवाल का जवाब। देखिए, अस्थमा और या कोई भी बीमारी होगी उससे हमारे जो इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है और साथ में जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अस्थमा के पेशेंट्स को या हर कोई दूसरी बीमारी के पेशेंट को कोरोना हुआ तो खतरा होगा। देयर इज ऑलवेज इंक्रीज रिस्क। जैसे किसी को एक चोट लगी और दूसरी भी चोट लगे तो थोड़ा सा खतरा बढ़ता है, अगर एक ही चोट है तो ही कैन फाइट बेटर। ओके, यानी कि अस्थमा है तो हमें ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। ओके, डॉक्टर ध्रुव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ध्रुव, हमने कुछ सवाल आपके आने से पहले, क्योंकि इस वक्त जो है बरसात का मौसम भी है NCR में, उस सवालों का जवाब तो हमने तलाश लिया, लेकिन ये अस्थमा को लेकर जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है कि अस्थमा है तो ज़्यादा दिक्कत है, प्लीज़। देखिए, अस्थमा जैसे कि ये COVID-19 है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और उसमें भी जिसको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ पहले से है उस पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जिसको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ पहले से है, लंग में किसी तरह की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, उसे इससे सावधान रहनी चाहिए। अगर आज दो जो डेथ हुआ है उसका अगर केस आप देखेंगे जो कर्नाटका में जो हुआ है, उसमें उस पेशेंट को पहले रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था और रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम था और हाइपरटेंशन भी था। दूसरा जो डेथ हुआ है दिल्ली में, उसमें भी हाइपरटेंशन था, रेस्पिरेटरी तो इसमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, ये उस केस में हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। जिस केस में अगर हमें पता है कि ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है और या फिर सांस से जुड़ी हुई कोई बीमारी पहले से है, उस पेशेंट को इसमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और अस्थमा एक उस तरह की प्रॉब्लम है जो सांस से रिलेटेड है, तो हमें इस केस में भी हमें थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर एक चोट लगी है तो दूसरी चोट उस पर ज़्यादा घातक होता है, यानी अस्थमा के मरीज जो है वो थोड़ा संभल संभल कर रहे हैं। उनमें अगर COVID-19 इन्फेक्शन होता है तो सिवियरिटी उनमें बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर ध्रुव एक सवाल, क्योंकि अब ये हमारा छठा सवाल होगा और ये खास तौर पर क्योंकि आप आ रहे थे, हमने कहा कि सवाल का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, जो हम छठे सवाल का जिक्र करेंगे वो छठा सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये कि क्या इलाज के लिए किसी वैक्सीन की संभावना है या फिर नहीं, अभी हालात किस और संकेत और इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर ध्रुव, क्योंकि आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स क्या है ये भी एक सवाल तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हैं एक भगवान के रूप में देखा जाता है, जब कोई मरीज बीमार होता है तो यही होता है कि भैया भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही है, वैक्सीन की बात की जा रही है। देखिए, अभी जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अगर आप देखेंगे लगभग 20-25 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स अभी स्टार्ट हो गए हैं,
पिछले फरवरी से स्टार्ट हुआ है और एक साइट है ये यूएसए की साइट है clinicaltrials.gov। उस साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको ढेर सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो अभी COVID-19 के ऊपर चल रहे हैं। मेडिकल साइंसेस में ये देखा गया है कि कोई भी मेडिसिन चाहे वो कितना भी इफ़ेक्टिव क्यों ना हो, जब तक कि पूरी तरह से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कंफर्म नहीं कर लेती कि उसका जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं पेशेंट को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, उसके बाद ही वो मार्केट में आती है। इज़राइल अभी उस पर काम कर रहा है, यूएसए काम कर रहा है, चाइना काम कर रहा है। तो इन कमिंग फ्यूचर ये संभावना है कि जल्दी ही हमें थेराप्यूटिक एज वेल एज प्रिवेंटिव जो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं वो मार्केट में आएगा COVID-19 के अगेंस्ट में। ऐसे एक मैं बता दूं, फरवरी में एक रिपोर्ट आया था, एंटीवायरल एक कंपोनेंट है जो कि ये राइबोजाइम एक प्रोटीन्स होता है जो इंजाइम जो आरएनए सिंथेसिस करता है उसके अगेंस्ट में काफ़ी इफेक्टिव है। तो लोग अभी उस पर भी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं। तो इनकमिंग फ्यूचर हो सकता है कि वैक्सीन एज वेल एज एंटीवायरल मेडिसिन भी COVID-19 के अगेंस्ट में आ जाएगा। कुछ सवालों के जवाब मुझे पहले से ही मिल रहे हैं, जो सवाल मेरे आगे के हैं। मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जिक्र किया आप दोनों से, क्या WHO से जो सोर्स मिल रहा है हमें इन्फॉर्मेशन का, क्या वही है हमारे पास या इसके सिवा कुछ और पर भी यकीन किया जा सकता है? देखिए WHO क्या है, WHO ये हब है जी, पूरी दुनिया में जहाँ भी मेडिकल साइंस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से जो आउटब्रेक होता है या कहीं भी जो हेल्थ सिस्टम कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं वो WHO रेगुलेट करती है। तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी जहाँ भी है, जो मेडिकल सिस्टम हेल्थ सिस्टम, वो सारा रिपोर्ट एट द एंड WHO को जाता है। सो WHO हब हो गया, एक बिग अम्ब्रेला हो गया, उसके अंडर में ढेर सारे सिस्टम काम करते हैं। हर कंट्रीज का अपना एक अलग हेल्थ सिस्टम होता है, हमारा जैसे कि ICMR है इंडिया में, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम पे काम करता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उस पे काम करता है, ठीक है, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उस पे काम करता है, उसी तरह से USA में, चाइना में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हेल्थ सिस्टम काम करता है। बट उस सारी चीज़ों को, सारे सिस्टम को जो कनेक्ट करने की जो काम WHO करता है। कल को कोई देश ये कहे कि भैया हमने इसका इलाज खोज लिया है, तो क्या वो यकीन लायक है जब तक WHO ना बोले कि भैया नहीं नहीं नहीं, WHO इसकी सर्टिफिकेशन नहीं देता है, ठीक है। WHO क्या करता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेटरी को देखता है, ठीक है। अब जैसे कि मेडिसिन का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA से उसका अप्रूवल होता है। अगर हम भी कोई क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में चलाते हैं तो हमारा इंडियन FDA, इंडियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसको पहले अप्रूव करता है, उसके बाद वो इंटरनेशनल अप्रूवल के लिए USA का जो इंटरनेशनल FDA है वो करता है। ठीक सर, जरा क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं जो आम लोगों के सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपसे जानना बहुत ज़रूरी है आप दोनों से, तो जल्दी से सवाल नंबर 7 टीवी स्क्रीन पर लेकर आए और सवाल नंबर 7 का जिक्र हम करेंगे। 7वां सवाल ये है जो काफ़ी अहम है, जो इस वक्त सबके जहन में है, गर्मी का मौसम आने से क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? डॉक्टर विकास जल्दी से प्लीज़। देखिए गर्मी का मौसम आने से कोरोना वायरस पे इफेक्ट होगा, क्योंकि जनरली कोरोना वायरस का जो टेम्परेचर है वो 26 से 27 होता है, उसके ऊपर पे वो जनरली उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर 2 घंटे मान लो कोई कपड़े पे कोई मान लो इन्फेक्शन है या कुछ है, 2 घंटे उसको धूप में आप रखेंगे तो कोरोना वायरस उसमें खत्म हो जाएगा। तो गर्मी से आने से हमारा जो ट्रांसमिशन रेट है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे है वो मान लो कहीं पे रहता है तो 9 से 10 घंटे रहता है जीवित वायरस, अगर मान लो वो गर्मी में उसमें जाता है तो 2 से 2 घंटे के आसपास। मैं मेरा व्यूज है, देखिए मैं डॉक्टर विकास से सहमत हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखा गया है कि जहाँ अगर टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर बढ़ता है और उसके साथ साथ अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, तो जो कोरोना वायरस COVID-19 स्ट्रेन है स्पेसिफिकली, इसका सर्वाइवल बढ़ता है इंस्टेड ऑफ कि वो घटे। तो उस केस में फिर ये इसका इन्फेक्शन और बढ़ेगा ही, ये सही नहीं है। अभी आज का ही WHO का रिपोर्ट है कि अगर टेम्परेचर राइज करे और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी अगर वहाँ पे है, तो ये कहना गलत होगा कि इसका स्प्रेड रुकेगा या फिर जो इसको फैलने से ये रुक सकता है।
टेम्परेचर ऑफ कोर्स अगर 30, 31, 32 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो एक हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं आया है कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका फैलना, यानी एक ये भ्रम के तौर पर हम इसे मान सकते हैं या एक संभावना है कि भैया गर्मी होती है, ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हैं। और अगर आप देखें कि केरला में जो अभी टेम्परेचर है वहाँ का 31-32 डिग्री है और वहीं पर ही सबसे ज्यादा केस, ये ज्यादा केसेस फैल रहे हैं, और तो इसमें कई सारी चीजें हैं। हाँ, हम टेम्परेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो इसका स्प्रेड भी बढ़ेगा, लेकिन हमें ह्यूमिडिटी का भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 8, प्लीज टीवी स्क्रीन पर लाएं। सवाल नंबर 8 जो दर्शकों के जहन में है, सवाल नंबर 8 ये कि क्या जिम जाना और मॉर्निंग वॉक करना इस वक्त ठीक है या फिर नहीं? डॉक्टर विकास, प्लीज जल्दी से कमेंट इस पे। मॉर्निंग वॉक और जिम जाने में हमें वही है कि जैसे किसी का कोई इन्फेक्शन हुआ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ और मान लो किसी सामान पे हुआ, वो हमने टच किया, देन वी टच अवर नोज या कुछ, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो मॉर्निंग वॉक में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो मॉर्निंग वॉक वी कैन गो। बट जिम में क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं और वो कोई छींक देते हैं जिम के करते समय या उसको इन्फेक्शन है तो ट्रांसमिट हो सकता है। तो जिम में ना जाके मॉर्निंग वॉक यू कैन डू, बट अगर जिम में आप जाते हैं तो जाने से पहले और जाने के आने के जैसे ही आप निकलते हैं वैसे ही आप हैंड वॉश कीजिए, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी लेस। फिलहाल इस वक्त जो है जिम जाना मतलब देखिए, अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अगर जिम में सफाई सुथरा है, आप जिम में एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को अच्छी तरह से अगर आप क्लीन करते हैं, अगर किसी तरह का छींकना थूकना इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जिम जाना मेरे हिसाब से किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई एग्री विद डॉक्टर विकास, अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आपको फ्री एयर मिलता है, ठीक है। और जिम में क्या है कि एक क्लोज इन्वायरमेंट में अगर किसी को इन केस अगर वो इन्फेक्टेड है भी तो उसके थ्रू हो सकता है कि क्लोज इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ सकती है। इसीलिए अगर हाइजीन का ध्यान रखते हैं जिम में तो ठीक है, नहीं तो मॉर्निंग वॉक इज बेटर देन जिम। ओके, मतलब जिम जाएं तो बेहद सावधानी बरतनी होगी वहां पे आपको, अगर कुछ वक्त के लिए आप उसे छोड़ सकते हैं तो बेहतर है मॉर्निंग वॉक पे जाइए। ये डॉक्टर ध्रुव और डॉक्टर विकास हमें बता रहे हैं। आप जरा सवाल नंबर 9 लेकर आई फटाफट, हमारे पास वक्त बहुत कम हो गया। सवाल नंबर 9 आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कि क्या नॉनवेज और बाहर का खाने से बचना चाहिए? इस वक्त सबके जहन में एक सवाल ये भी है और इसके साथ साथ अल्कोहल को लेकर भी एक सवाल हम जोड़ देते हैं। प्लीज डॉक्टर विकास जल्दी से पहला कमेंट। नॉनवेज आप खा सकते हैं, नॉनवेज से कोई ट्रांसमिट नहीं होता है वायरस। और जो बाहर खाना खाना है उसमें भी आप जा सकते हैं, अगेन सेम थिंग है, अगर बगल में बैठा हुआ टेबल पे आदमी है उसको इन्फेक्शन है, ही कैन ट्रांसमिट टू यू थ्रू कंटेजियस रूट, दैट्स द ओनली थिंग। अदरवाइज बाहर जाना और नॉनवेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल से वायरस पे कोई असर नहीं होता है, इवन मैं तो कहीं पढ़ा था कि द फ्यू डेथ्स हैज हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल से कोई फायदा नहीं है कि वायरस कोई खत्म होता है। डॉक्टर ध्रुव, क्योंकि कहा जा रहा है कि कच्चा मीट नहीं होना चाहिए और नॉन वेज, मैं बता दूं ये जो इन्फेक्शन है कोविड-19 जो अभी आउटब्रेक आया ये एनिमल टू ह्यूमन हुआ और अभी क्या हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है, नाउ इट्स गोइंग बैक टू ह्यूमन टू एनिमल। अगर आप देखें हिस्टोरिकली जितने सारे वायरसेस हैं वो सबका जो होस्ट है वो एनिमल है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ है मैक्सिमम जो इन्फेक्शियस जो वायरसेस है। अब क्या है कि अगर किसी को भी कोविड-19 का इन्फेक्शन है और वो अगर पोल्ट्री फॉर्म में काम कर रहा है तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं कि वो ह्यूमन से एनिमल में कंटामिनेशन हो, इन्फेक्शन हो, और उसके थ्रू फिर हम लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन को भी कवर कर सकते हैं। इसलिए अभी ये मेरा ये सुझाव है कि अगर नॉनवेज खाते भी हैं तो उसको अच्छी तरह से पका करके खाएं, जितना हो सके उतना अवॉइड करें, ठीक है। जहाँ तक ड्रिंक की बात है, अल्कोहल की बात है, एकदम कभी भी ये ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस में इट्स प्रूवन कि अल्कोहल कभी भी वायरस को किल नहीं करता है। हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं 75% एथेनॉल जो कि सरफेस पे उसको किल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ड्रिंक करने के लिए नहीं। तो जो मेडिकल साइंस है उसमें 75% यूज करते हैं। आपने जानवरों का जिक्र किया, मैं उसी पर आता हूँ। यानी कुल मिला के अगर आप नॉनवेज खा भी रहे हैं तो डॉक्टर ध्रुव और डॉक्टर विकास आपको यह समझाने की कोशिश करें कि उसे अच्छी तरह पकाकर खाइए। और अब 10वां सवाल उसी से जुड़ा हुआ जिसका जिक्र डॉक्टर ध्रुव आपने किया। 10वां सवाल ये कि कोरोना का खतरा पालतू जानवरों से क्या बढ़ सकता है?
सवाल ये, जल्दी से प्लीज इसका जवाब, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया। देखिए, पालतू जानवरों से नहीं है, वाइल्ड एनिमल से है, क्योंकि जब पालतू जानवर आप घर में पालते हैं तो उसकी सफाई सुथरा का आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो इससे इससे संभावनाएं नहीं है कि हाँ। लेकिन अगर उस घर में किसी को कोविड 19 इन्फेक्शन हो गया है और वो अगर उस एनिमल के कॉन्टेक्ट में, तो हो सकता है कि एनिमल उसको कैरी करके फिर थर्ड पर्सन को इन्फेक्ट करे। सो अगर इन्फेक्शन हो चुका है तब तो आप आइसोलेट रहिए, ठीक है, और किसी ना ही एनिमल ना ही ह्यूमन के कांटेक्ट में जाइए। और अगर इन्फेक्टेड नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो जो जितने भी पेट्स हैं उसे किसी तरह की मतलब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, नहीं है किसी घर में पालतू जानवर बिल्ली या कुत्ता है नहीं, तो नहीं, 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 देखिए ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि पालतू जानवर से खतरा है कि नहीं है, लेकिन अवॉइड करने के लिए आप पालतू जानवर के साथ खेलिए, खेलने के बाद आप अपना हाथ धोइए, यही सबसे बेस्ट है। मतलब रिपीटेडली जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, हैंड हाइजीन इज बेटर एंड बेस्ट। हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी हमने शुरुआत इसी से की कि भैया हाय हेलो छोड़िए, अब हाथ जोड़िए। आइए जरा जल्दी से 11वां सवाल दिखाइए, कौन सा 11वां सवाल? 11वां सवाल ये है कि वायरस के लक्षण कितने दिनों के बाद दिखते हैं? डॉक्टर विकास, देखिए वायरस के लक्षण जनरली 2 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो 2 से 14 दिन में आपको ये लक्षण दिख जाते हैं। जनरली माना जाता है कि 5 दिन के अंदर आपको लक्षण दिख जाएंगे। 5 दिन के अंदर? डॉक्टर ध्रुव, क्या हम मान लें कि अगर ये लक्षण पहले से पता चल जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा 2 से 5 दिन का जिक्र किया, और हमें पता चल गए तो हम उस पर जल्दी से काबू पा लेंगे बीमारी पर? हाँ, देखिए अगर हमें लक्षण पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इसका जो आप देखें कोविड 19 का जो सिवेरिटी है वो लंग इन्फेक्शन एंड किडनी, तो अगर किसी में वो पॉजिटिव पाया गया तो उससे बचाव के लिए आप काम कर सकते हैं, ताकि वो लंग तक ना पहुंचे, किडनी तक ना पहुंचे, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है। चलिए अब 12वां सवाल जल्दी से टीवी स्क्रीन पर आपके, कि घर में बना मास्क और सैनिटाइजर क्या कारगर साबित हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में मास्क को लेकर तमाम तरह के सवाल, जिसका जवाब डॉक्टर विकास आपने कुछ देर पहले भी दिया था कि अगर हम कागज की तरह भी उसको इस्तेमाल कर लें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में बना क्या सैनिटाइजर कारगर साबित हो सकता है, प्लीज जल्दी से? देखिए घर में बना मास्क भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि साइज इसका वायरस का काफी बड़ा है, और जो हैंड सैनिटाइजर की बात हुई है तो उसमें विशेष ध्यान देना होगा आपको कि जो अल्कोहल की मात्रा हो उसमें वो 60% या उससे ज्यादा हो तो ही ये इफेक्टिव है। 60% से ज्यादा हो तो ही इफेक्टिव है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं है हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, यानी कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क को लेकर प्लीज कमेंट जल्दी से। देखिए मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर विकास से, क्योंकि जो जो वायरस का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो इवन आप टिश्यू पेपर को रुमाल के बीच में बांध करके नाक पे रखते हैं तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हैंड सैनिटाइजर की बात है, 60-75% नॉर्मली हम यूज करते हैं, और अगर आप मार्केट से नहीं लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, आप घर में इथेनॉल 100% इथेनॉल ला करके आप उसको यूज कर सकते हो, इवन मच बेटर देन द प्रोडक्ट दैट टू बाय फ्रॉम मार्केट। सो इस दोनों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 13वां सवाल जल्दी से, 13 और 14 सवाल अगर हम जल्दी टीवी स्क्रीन पर ले सकें तो 13 सवाल नंबर की दरवाजे के हैंडल, क्योंकि कहा जा रहा है आज सुबह मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था तो मुझे बोला गया कि आप दरवाजों को हाथ ज़्यादा उससे लगाए हैं तो फिर हाथ धो लीजिए, क्योंकि कार आपने पार्क की है तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस हो, इसको लेकर भी भ्रम की स्थिति है, ये भी दूर करिए सर। डॉक्टर ध्रुव, देखिए जो अगर WHO का रिपोर्ट देखेंगे या फिर जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसका रिपोर्ट आप देखेंगे, जितना कॉन्टेजियस डिजीजेज हैं जो कॉन्टेक्ट से फैलता है उसमें एक जो हमारा दरवाजे का जो हैंडल है वो एक मेन कारक है, तो हम हमेशा उसकी सफाई का, या भी आप दिल्ली मेट्रो में देखें, दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशंस या एयरपोर्ट पे लोग डोर के हैंडल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर टच होने वाली जो चीज़ें हैं वो दरवाज़ा है हमारा जी, तो इससे फैलता है, और हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई अननोन जगह पे जाते हैं उसको टच करते हैं तो तुरंत हमें हाथ धो लेने चाहिए साबुन से। ठीक है, आप सवाल नंबर 14 जल्दी से दिखाइए, फिर उसके बाद विकास आपसे कमेंट लेंगे हम। डॉक्टर विकास, घर में किसी को कोरोना हो तो क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर घर में किसी शख्स को उससे पीड़ित हो तो क्या करना चाहिए, प्लीज सर जल्दी से। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कंफर्म्ड केस हो गया कि कोरोना है, और एक डाउट है कि कोरोना है। डाउट है तो हमें हेल्थ केयर की एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि वेदर इट्स अ कोरोना और नॉट ए कोरोना। अगर कन्फर्म हो गया कि कोरोना है
तो हमें उसको एक आइसोलेशन में रखना चाहिए, जैसे कि एक अलग कमरा हो जिसमें थोड़ा वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेशन हो वहाँ रखना चाहिए, और उनको एडवाइज़ करना चाहिए कि मास्क लगाएं जहाँ तक हो सके वहाँ तक, और जो भी उनके बर्तन वगैरह हो उनको अपने अच्छे से सफाई करें। डॉक्टर ध्रुव प्लीज़ लास्ट कमेंट, मेरे पास वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, सवाल आगे और भी हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ दर्शकों को भी, जो सवाल हम ले पाए वो सब कुछ, वो सवाल जो आपसे सीधे तौर पर जुड़े हों, जो आपके जहन में है, उनके जवाब हम तलाश करें। डॉक्टर ध्रुव प्लीज़ फाइनल कमेंट। देखिए, अगर किसी को COVID-19 पॉजिटिव हो गया उसको कम्प्लीटली आइसोलेट करके घर में ही रखिए, लेकिन उसके लिए अलग कमरे रखिए। वो जो बाथरूम यूज़ करे दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए, जितने बर्तन हों अगर वो यूज़ कर रहा है दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए। दूसरे, अगर पेशेंट घर में रह रहा है दूसरे लोगों से नहीं मिल रहा है तो उसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो दूसरे लोगों से मिल रहा है इन दैट केस दे मस्ट हैव टू यूज़ मास्क। सर मेरे पास समय खत्म हो चुका है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते चलते प्लीज़ फाइनल कमेंट आप दोनों का, कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ डराना नहीं है, जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम देख रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, प्लीज़ फाइनल कमेंट प्लीज़ जल्दी। देखिए मैं कोरोना वायरस के लिए प्रिवेंशन के लिए कमेंट करना चाहूँगा कि 3 P's कैन प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, प्रोटेक्ट यूर लव्ड वंस, प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? एक तो हैंड हाइजीन, हाथ को बार बार धोना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, हाथ को नाक कान गले कहीं पे भी नहीं लगाना है, और नमस्ते एंड वेविंग ऑफ द हैंड यू शुड यूज इंस्टेड ऑफ शेकिंग। ओके डॉक्टर ध्रुव, मेरा एम्फेसिस रहता है हमेशा कि हम अपने अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर वायरल इन्फेक्शन होता भी है आपके शरीर के अंदर, अगर इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है तो आप उसको डिफीट कर सकते हैं, और आप हाइजीन का ध्यान रखें और खान पान का ध्यान रखें जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरह से मेंटेन रहे। थैंक यू सो मच। एंड इन द लास्ट, डोंट फॉलो द व्हाट्सएप। ओके थैंक यू सो मच, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये तो इस वक्त। सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दे के साथ। नमस्कार, डरिए मत लड़िए। समय से डर दहशत घुसी हुई है, देख रहे हैं कि कॉलेजेस बंद हो गए हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो डर तो लगता ही है सबको। कम से कम पहले डॉक्टर से एक बार जरूर एडवाइस लें, वरना ये और जो है स्प्रेड हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से सारे स्टोर बंद है जी, जरूर इससे रोकथाम में मदद मिलेगी।